हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट। वस्ती जिले गांधरबल के शालाबुगी इलाके में कायम गर्ल्स हाई स्कूल में तैनात क्लर्क ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए हेडमास्टर के जाली दस्तखत करके हाई स्कूल से तब्दील किए गए उस्तादा की तनख्वाहें सरकारी खजाने से निकाल कर अपने बेटे और बहू के बैंक खातों में जमा कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मजकूरा क्लर्क गुज़श्ता 5 बरसों से स्कूल में तैनात रहने के दौरान जाली दस्तखत करके सरकारी खजाने से रकूमात निकालते रहे। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि वैली ऑनलाइन की तरफ से इस स्कैम को मंजर आम पर लाने के बाद डिपार्टमेंट ने फौरन एक कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी ने हेडमास्टर और क्लर्क को मुअत्तल कर दिया है। आइए देखते हैं गांधरबल से बेगिरशाद की वैली ऑनलाइन के लिए ये रिपोर्ट। शालबुग में दो हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल में हमारी नोटिस में ये आ गया कि एक बिल ट्रेजरी को गई तो उसको हेडमास्टर साहब ने फिर रोक लिया, तो उसे इंकशाफ हुआ है कि ये जो बिल गई थी वो डबल ड्रावल वो पहले ही निकल चुकी थी। तो फिर जब रिपोर्ट हुआ उसके बाद हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई तो वो वहाँ जो है सब कुछ बांटा फूटने लगा। तो उसमें हमने दो इंक्वायरी कमेटीज बिठाई थी, एक हेडमास्टर साहब के तहत बनाई थी जिसमें वो सही फिगर्स पॉइंट आउट नहीं कर पाए, फिर प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल नन्नर को दूसरी कमेटी लेके उसमें जड़ियों एक था, एक हेडमास्टर था, कुछ अकाउंटेंट्स थे, भेज दिया तो उससे ये पता चला। बाकी रिकॉर्ड्स जो हमने दाएं बाएं से बैंक से ट्रेजरी से बाकी चीज़ों से लाए तो उसे पता चला कि एम्बेजलमेंट हुई है, लेकिन जो किस हद तक हुई है वो अभी हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है कि ये बताने में कि एक्चुअल किस हद तक एम्बेजलमेंट हुई है। अब आज शाम तक हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इस पर मैं चाहूँगा कि एक हाई लेवल कमेटी बने जो डायरेक्टरेट के किसी जिम्मेदार ऑफिसर के तहत बने और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सस्पेंशन ऑर्डर हमने कल निकाला चौधरी को, जब हमने ये कमेटी बनाई एक्चुअली मेरा ये था कि हमारे पास एक कैटेगरिक स्टेटमेंट आ जाए, एम्बेजलमेंट का अमाउंट कितना है वो कैटेगरिक आ जाए तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो लोग जो है रिकॉर्ड ही फराहम नहीं करें जिसकी वजह से एक्शन लेने में थोड़ा देर हो गया। बाकी एक्शन हो गई और आइंदा भी जो होगा वो कार्रवाई होगी और इसमें पूरा तहकीकात के साथ पूरा गवर्नमेंट पैसा जो गबन हुआ है उसको हम निकाल देंगे।